योशा ने भोपाल में हर क्षेत्र की महिलाओं का एक बड़ा समूह इकट्ठा किया। ये महिलाओं का एक ऐसा मेला था जहां हर महिला का हुनर साफ नजर आ रहा था। खुले आसमान के तले सभी महिलाओं की एम्बेसडर्स को योशा के संचालक अभिव्यक्ति ने सम्मानित किया। इसी के तहत दखल न्यूज के संपादक शेफाली गुप्ता का भी सम्मान हुआ। योशा के संचालक अभिव्यक्ति ने बताया कि योशा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्त्री है। देश दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे आगे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक बेटियों ने धूम मचाई है। ये योशा का मंच उनके हुनर के लिए और खुलकर अपनी बात रखने के लिए। इस मंच पर महिलाएं ही महिलाओं की प्रेरक होंगी और ऐसी ही महिलाओं का सम्मान योशा कार्यक्रम में किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है। ये कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दखल न्यूज के संपादक शेफाली गुप्ता को सम्मानित किया गया जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। साथ ही अन्य कई ऐसी वुमेन्स एम्बेसडर का सम्मान किया गया जिन्होंने समाज में अद्भुत कार्य किए हैं। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने हाथों से बनाई गई सामग्रियों का स्टॉल भी लगाया और उनकी महत्वता बताई। वहीं सभी महिलाओं ने जुम्बा व कार्यक्रम में हुई अन्य एक्टिविटीज का भरपूर आनंद लिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।